नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंकिंग सक्सेस में। दोस्तों सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं किसी भी संबंधित बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इंडिविजुअली आपका रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसीज के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका कितनी वैकेंसीज आएगी, तो इसके लिए एक अपडेट है जो आपके साथ शेयर करनी है आज। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ आरबीआई असिस्टेंट पे, जिसके अंदर मैंने बताया कि इसका सिलेबस क्या रहता है, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ क्या थी, यानी 2018 के अंदर आरबीआई असिस्टेंट अपना नहीं आया था, 2017 के अंदर इसकी वैकेंसीज आई थी और अब 2019 चल रहा है। तो 2017 के अंदर जो वैकेंसीज आई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ, सिलेबस वगैरह सब कुछ एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है आरबीआई असिस्टेंट का, और नोटिफिकेशन कब तक आएगा उसके अंदर बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में ऊपर आई बटन पे आपको भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अपने बात करते हैं अपडेट जो आई है वो क्या है। देखिए आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी 2017 में आई थी, 18 में वैकेंसी नहीं आई, 2019 में वैकेंसी आई। अब आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि 2018 की जो वैकेंसीज थी और 2019 दोनों सालों की मर्ज करके 2 साल से वैकेंसी आ रही है, तो वैकेंसी तो आपकी पहले से बढ़ के आएगी। यानी 2 साल की वैकेंसी मर्ज हो रही है तो वैकेंसी तो एब्सोल्युटली बढ़ेगी। पहले 100 वैकेंसी आनी थी तो अब वैकेंसी 200 आएगी, यानी 2 गुना वैकेंसी आपकी आएगी। अब आएगी कब? बहुत जल्द आएगी। इसका एक मैं प्रूफ आपको बताना चाहूँगा। जो आरबीआई असिस्टेंट के ऊपर केस चल रहा था, एक यानी बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था आरबीआई असिस्टेंट के ऊपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन पर केस कर रखा था कि उनको ज्वाइनिंग वगैरह नहीं दी गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो केस था उसकी जो लास्ट हेयरिंग अपने हुई थी वो हुई थी 6 मार्च को, यानी 6 मार्च को लास्ट उनकी सुनवाई हुई थी और वो हुई थी मुंबई हाई कोर्ट के अंदर। वहाँ पे इस केस को डिस्पोज कर दिया गया है। अब ये केस डिस्पोज हो चुका है और जो भी फैसला आया वो स्टूडेंट के हक में आया है। तो एक तो उनके लिए गुड न्यूज़, जो स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग नहीं मिली थी उनको अब ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाएगी उनकी, तो उनका तो प्रोसेस पूरा हो जाएगा। दूसरी कुछ खबरें उनके लिए जो स्टूडेंट बैठ करें कि नोटिफिकेशन ऑफिसली कब आएगा कब आएगा। देखिए अब इसका केस है जो वो डिस्पोज हो गया है। अब ये तो उन्होंने सलटा दिया अब जो पहले की वैकेंसी थी। अब उनको जो लास्ट 2 साल से वैकेंसी पड़ी हुई है 2018 और 2019 की, ये वैकेंसीज उनको क्या करनी है, रिक्वायरमेंट करनी है इस साल। तो ये रिक्वायरमेंट इस साल आएगा ही आएगा। अब ये इसका श्योर नहीं है कि अब आएगा, महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद, यानी 2019 के अंदर आरबी असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, ये श्योर है। आएगी कब ये भी अपने नहीं कह सकते, हो सकता है कल ही इसका नोटिफिकेशन आ जाए, परसों ही आ जाए। पर अपने को क्या करना है, अपने को प्रिपरेशन पहले से करके रखनी है, तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। अब देखिए LICW का नोटिफिकेशन आ गया, मैंने आपको बताया था कि LICW का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, 2 साल से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो मोस्टली स्टूडेंट बोल रहे थे क्या है ये, तो फर्जी वीडियो से नहीं आएगा, और अब आप देख लीजिए नोटिफिकेशन आ गया। अब नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास सिर्फ 50 या 40 डे का टाइम बचा हुआ है, 40 और 50 दिन में आप तैयारी कर लोगे। अगर मान लीजिए आरबी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद आप फॉर्म फिल कर दियो, बाद में आप तैयारी स्टार्ट कर दियो, तो कितने दिन आपके पास रहेंगे? मैक्सिमम 40 या 50 दिन, आरबी असिस्टेंट इतने ही दिन देता है, और प्री के बाद तो वो 10 दिन बाद मेंस करवा लेते हैं। तो इतने दिन में आप प्रिपरेशन कर लोगे क्या? आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग और GK, 4 ही तो सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। इसके अंदर आपके कितने एग्जाम कवर हो रहे हैं वो देखिए, आरबीआई के दोनों एग्जाम कवर हो रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, दोनों की वैकेंसीज आएगी। क्योंकि आरबीआई के अंदर ऊपर जो केस था तो उसे रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा था वो, क्योंकि केस जैसे ही था अब वो रिक्वायरमेंट चालू कर देगा आरबीआई ग्रेड बी की और आरबीआई असिस्टेंट दोनों की। अब देखिए ये जो आप प्रिपरेशन करोगे, ये आपके आरआरबी पीओ कलर्क 2 एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आईबीपीएस पीओ कलर्क 2 एग्जाम आपके ये कंडक्ट होंगे, एसबीए पीओ कलर्क 2 एग्जाम आपके ये कंडक्ट होंगे, आरबी असिस्टेंट और आरबी ये 2 आपके एग्जाम होंगे, देखिए, और LICW का 1 एग्जाम आपका ये हो गया। देखिए 2, 4, 6, 2, 8 और 9 एग्जामिनेशन आपकी एक ही प्रिपरेशन से, 9 एग्जामिनेशन, 9 ट्राई आपको मिल रही है, 9 ट्रायल आपको एक ही प्रिपरेशन से मिल रहे हैं। तो बार बार आपको ये क्यों पूछना पड़ रहा है कि नोटिफिकेशन कब आया, नहीं आया तो क्या हुआ? तो नहीं आया तो अगर आरबी असिस्टेंट नहीं आता तो आरबी ग्रेड भी आएगा, आरबी ग्रेड भी नहीं आया तो आरबी असिस्टेंट आएगा। वैकेंसीज तो आएगी आएगी, ये नहीं आएगा तो आरआरबी आपके पास है, आईबीपीएस पीयू आपके पास है। पर 100% श्योर है 2019 के अंदर आरबी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा, आरबी ग्रेड बी का भी आएगा। तो वेट मत कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जैसे ऑफिशियली आएगा तो अपने डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, यही अपडेट थी। और स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर कर दीजिए कि वो केस है वो डिस्पोज्ड हो चुका है और वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।